वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पराठे बनाएंगे, रेडी टू ईट पराठे जो हम बाहर से फ्रोज़न लेते हैं वो वाले। उसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा तकरीबन 2 कप जितना, नमक हसबे जायका, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और बटर 3 टीस्पून। और अब हम पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से गूंद लेंगे और तेल लगाकर 15 मिनट तक छोड़ देंगे। मिनट बाद अब हम इसको थोड़ा और गूंद कर पेड़े बना देंगे। अब हम एक पेड़े को लेकर बेल लेंगे। अगर आप पराठों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ऐसे एक प्लेट पे प्लास्टिक बिछाकर पराठे को रख दें। अब हम दूसरा लेयर्स वाला पराठा बनाएंगे। उसके लिए पराठे को बेलकर 1 खाने का चम्मच ऑयल लगा दें, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का लगा दें और अब इसको
फैन के शेप में फोल्ड कर दें और एक पेड़ा बना लें। और अब हम इसको फिर से बेल देंगे। और इसको भी इसी तरीके से प्लास्टिक पे रख के फ्रीज़ कर देंगे और इन पराठों को आप 1 वीक तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक लेयर्स वाला पराठा बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो तो हम इसकी साइड चेंज करके इस पे ऑयल लगा देंगे और फिर दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसी तरह हम दूसरा प्लेन पराठा भी बना लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।